Namaste students, myself Dr. Kiran, Yadav. Welcome to the discipline sessions of the course Applied Physics. आज के session में हम पढ़ेंगे कुछ units को लिखने के general rules होते हैं, उन rules के बारे क्या है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो first rule है, first rule है, unit vector को कभी भी कैपिटल इनिशियल लेटर से नहीं लिखा जाता. सॉरी, यूनिट वेक्टर में यूनिट, ठीक है. अगर ये किसी साइंटिस्ट के नाम से भी अगर यूनिट डिफाइंड हो या यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट का नाम हो तो भी उसको कभी भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता. जैसे जनरली हम क्या करते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, किसी का भी, चाहे साइंटिस्ट हो या नॉर्मल इंसान हो, फर्स्ट लेटर जो होता है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं. जैसे मेरा नाम किरण यादव है, मैं लिखूंगी तो के हमेशा कैपिटल लिखूंगी, ठीक है. लेकिन यूनिट में हमेशा कैपिटल नहीं लिखते हैं. तो अगर किसी, जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एन. जब हम न्यूटन लिखेंगे तो उसको हम स्मॉल एन से लिखेंगे, NEWTON, ठीक है. और अगर हम इसका सिंबल लिखेंगे, न्यूटन हमने पूरा नाम लिखा है, अब इसको एक सिर्फ सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि है एन, कैपिटल एन, तो वो सिंबल होगा उसको हम कैपिटल से लिखेंगे अगर यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो. और अगर यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो फिर उस सिंबल को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. तभी आप जब सिंबल्स आएंगे, सिंबल्स लिखेंगे आप यूनिट के, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के, तो देखना कुछ यूनिट्स के सिंबल कैपिटल लेटर्स में होंगे, कुछ यूनिट्स के सिंबल स्मॉल लेटर्स में होंगे. तो अगर सिंबल कैपिटल लेटर्स में है तो इसका मतलब है कि वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, और अगर स्मॉल लेटर में है तो इसका मतलब है कि वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है. जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन का सिंबल होगा कैपिटल एन, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो उसका सिंबल होगा स्मॉल एम. जो भी यूनिट और जो भी उनके सिंबल्स हैं वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते. प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है. जैसे सेंटीमीटर लिखेंगे हम, अगर यूनिट हमारी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर्स कभी नहीं लिखेंगे. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, उसको हम न्यूटन ही लिखेंगे, न्यूटन्स नहीं लिख सकते. जैसे फोर्स की एक यूनिट और होती है जिसे बोलते हैं डाइन, DYNE, उसको हम कभी डाइन्स नहीं लिख सकते. प्लूरल के लिए जो एस लगाते हैं वो यूनिट के आगे नहीं लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट रूल है, इन अ सिंबल वी प्रीफर नॉट टू यूज मोर देन वन सॉलिडस. सॉलिडस मीन्स जो स्लैश का सिंबल हम लगाते हैं, ये रहा, ये वाला डिवाइड के लिए जो हम लगाते हैं उसको सॉलिडस बोला है. तो हम किसी भी चीज़ की यूनिट लिख रहे हैं तो एक सॉलिडस से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते. जैसे कि इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट होती है जूल डिवाइड बाय सेकंड मीटर स्क्वायर, ठीक है. इसको हम जूल डिवाइड बाय सेकंड को वाट भी बोला जाता है, ठीक है. तो वाट पर मीटर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं. इसमें ऐसे जूल स्लैश एस स्लैश एम स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका होता है, एक से ज़्यादा स्लैश नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट रूल है पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कि फुल स्टॉप वगैरह सिंबल्स के आगे नहीं लिखे जाते. जैसे कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूनिट होती है सीसी, क्यूबिक, सीसी, तो अब इसको सी डॉट सी ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है. डॉट कभी नहीं लगाए जाते यूनिट को लिखते टाइम. अभी मैं आपको कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स और उनके प्रीफिक्स बता रही हूँ. प्रीफिक्स मतलब उनके पहले लिखा जाता है. वन माइक्रोमीटर, ठीक है, इसको हम, इसका सिंबल है वन, म्यू और मीटर का एम, ठीक है. ये इक्वल टू होता है टेंस टू पावर सिक्स मीटर, टेंस टू पावर माइनस सिक्स मीटर के, सॉरी.
ये जो मैंने पिछले सेशन में जो टेबल बनाई थी वहाँ से भी देख सकते हो आप, माइक्रो मीन्स 10^-6। बट फिर से बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा बिकॉज माइक्रो मिली ये सब इम्पॉर्टेंट है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर, जिसको कि हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं 1 mm, मिली के लिए m, मीटर के लिए m, और ये इक्वल टू होता है 10^-3 मीटर के। देन है आपका 1 सेंटीमीटर, जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं cm, सेंटी के लिए c, मीटर के लिए m, जो कि 10^-2 मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर, जिसका सिंबल है km, और ये होता है 10^3 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर लिया है, अगर मैं 1 माइक्रोग्राम लेती यहाँ पे, तो हो जाता म्यू जी, सिंबल उसका ये हो जाता और वो 10^-6 ग्राम के इक्वल हो जाता। ठीक है, ऐसे हम इन्हें लिख सकते हैं। अब कुछ जनरल रूल्स हैं कैलकुलेशन के, सिंपल इजी हैं। जैसे अगर 1/10^n है तो इसको हम 10^-m लिख सकते हैं। सपोज 1/10^2 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10^-2 भी लिख सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन में या फिर काम आते हैं। 10^(n)(10^n) इसको 10^(m+n) लिखा हुआ होगा। अगर दो सेम क्वांटिटीज हैं तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, अगर वो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है तो। अब ये क्वांटिटीज डिवाइड में है, 10^(n)(n)/10^m), तो जब डिवाइड में होती है तो उनकी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, न्यूमरेटर में जो पावर है माइनस जो डिनोमिनेटर में पावर है वो, तो ये बन जाएगा 10^(n)-m। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए अभी इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।